हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सॉफ्टामो एजुकेशन ग्रुप। आज हम लोग जो बात करेंगे, बेसिकली देखिए, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, वो जो पॉइंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, वो था नीट के कट ऑफ के रिगार्डिंग। नीट का कट ऑफ क्या आया हुआ है और कैसे कैसे क्या ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। बेसिकली देखने जाए तो 500 के ऊपर वाले जो बच्चे हैं, सी कट ऑफ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से डिस्कस करते हैं, कट ऑफ जो इस बार का है 134 है फॉर द जनरल कैटेगरी। एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए जो है वो कट ऑफ है 107। हम लोग अगर बात करते हैं जो कट ऑफ के ऊपर के मार्क्स है, सबका एक ही ड्रीम होता है कि इंडिया के अंदर एडमिशन लेना है। और जब आउट ऑफ कंट्री हम लोग सोचते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत वो आती है कि जो ऑप्शन सिलेक्ट किए जाते हैं वो गलत सिलेक्ट किए जाते हैं कंपेयर टू स्टूडेंट्स रिजल्ट। एक्चुअली जो काउंसलिंग होना चाहिए वो स्टूडेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सी बड़ी बड़ी कंपनीज, आज मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब्रॉड का जो है चीज़, अब्रॉड MBBS जो बात है, जितना ईजी टास्क है उतना ही डिफिकल्ट भी है। लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि बच्चे का वो एक ड्रीम बन जाता है, और जब फुलफ़िल नहीं हो पाता है तो वहाँ पे बच्चे को परेशानी हो जाती है, वो मायूस हो जाता है, उसकी लाइफ कई जगह पे तो ख़त्म हो जाती है। सो मेन जो चीज़ सोचनी है आप लोगों को, अगर आप कभी सर्चिंग करने बैठेंगे तो गूगल में 1 से 5, 1 से 10 में कौन आ रहा है, बस उसको कांटेक्ट करके बात कर लिया, उसको नंबर वन काउंट कर लिया। सी नंबर वन दिखाने से नंबर वन नहीं हुआ जाता, नंबर वन होता है बंदा जो भी होता है वो काम करने के एथिक्स से। जब किसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट करवाया जाता है, पेरेंट्स को पता नहीं होता है वो कंट्री में कैसा घर है, वो कंट्री में कैसा खाना है, वो कंट्री में कैसा पढ़ाई है, जैसा वो बंदा आपको रिफ्लेक्ट करेगा वही चीज़ आप उसको समझ के बैठते हो, वहाँ पे जाने के बाद परेशानियाँ होती है। कई सारी बड़ी कंपनीज है जो एडमिशन करवाती है बड़ी बड़ी कंट्री के अंदर, गूगल में दिखेंगी 1 से 5 के अंदर, लेकिन कहीं पे भी उसका खुद का रैंक है ही नहीं, कोई कहीं पे उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। उनसे जाके पूछ लो आप कि सर आपसे कोई भी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे वर्ल्ड की एक यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बातें इतनी बड़ी होती है जैसे वो पूरा देश चला रहा है। तो ऐसे बंदों से बचने की ज़रूरत है। अगर उससे आप कॉल करके आप एडमिशन लोगे, बहुत प्यारी बातें होगी, एडमिशन होने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा प्रॉपरली आपको। हम जानते हैं काफ़ी सारी कंपनियों को, नाम हम लोग नहीं ले सकते अभी, और ये कंपनियाँ वो कंपनियाँ हैं जो बच्चों को ले जाती है कोई एक यूनिवर्सिटी के नाम पर और डाइवर्ट करती है दूसरी को के अंदर। तो कभी भी किसी के थ्रू भी आप एडमिशन ले रहे हो, सबसे पहला आपको जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी का वैल्यू क्या है इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड के अंदर। सी नंबर तो मैं 10 स्टूडेंट का आपको दे दूंगा रेफरेंस के लिए, तो उसका मतलब वो नहीं होता है कि वो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उसका ही नंबर मैंने आपको दिया है। और कई बार स्टूडेंट भी प्रेशराइज होके बात करते हैं आपसे, तो रिस्पॉन्स आपको उतना प्रॉपर नहीं मिलता है, जो रियलिटी होता आप नहीं जान सकते। सो कभी भी ऐसे बंदों पे ट्रस्ट मत करो, बड़े नाम पे ट्रस्ट मत करो। सी बड़े तारे दिखाएंगे सब लोग आपको, आपके 12th में 60% आए, आपको बोलेंगे आपको हम USMLE क्लियर करवा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। देखिए 60 आया है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप डफर है, 60 आने के बाद अगर MBBS में आप एडमिशन ले रहे हैं, एटलीस्ट पहले 2 साल आप खुद को सेल्फ टेस्ट करें, सेल्फ टेस्ट करने के बाद आप USMLE में जाइए। पहले ही साल से USMLE का पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पहले साल से कोई USMLE का प्रिपरेशन, इवन कैरेबियन के अंदर आप जा रहे हो, कैरेबियन में भी पहले बेसिक साइंस पढ़ाया जाता है, नहीं कि USMLE का पढ़ाई। और आपको लोग बात करते हैं आप यूक्रेन में जाइए, रशिया में जाइए, चाइना में जाइए, हम लोग आपको USMLE का पैरेलली प्रिपरेशन करवाएंगे। सो उसका मतलब क्या होता है? अगर सिंपल सी चीज़ है कि
कि अगर आप चाइना में जा रहे हो, रशिया में जा रहे हो, यूक्रेन में जा रहे हो, अगर पहले दो साल में आपने यूएसएमएली में कॉन्सेंट्रेशन किया तो आपका एग्जिस्टिंग स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि आपने इस साल महसूस कर लिया है. आप नीट के ऊपर फोकस करने गए, आपका एचएससी बोर्ड का मार्क्स नीचे गिर गया. ये देखा हुआ है काफ़ी सारे स्टूडेंट ने. सो कभी भी ऐसे बंदों पर ट्रस्ट मत करो जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं. सी, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. आप दो माले की बिल्डिंग पे खड़े हैं, नीचे मैंने एक पॉन्ड बना दिया छोटा सा, आपको बोला यहाँ पे तो बहुत सारा पानी है, अब जंप लगा ऊपर से स्विम कर पाओगे. एक्चुअली वहाँ पे मैंने 2 फीट का ही पानी भरा होगा. आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मैंने जो बोला उसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया, आपने खुद जाके पहले नीचे चेक नहीं किया कि पानी कितना गहरा है. आपको गहराई चेक करनी है एजुकेशन के अंदर भी. कोई बोलेगा उसके ऊपर आप ट्रस्ट करोगे, आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. सेल्फ स्टडी करो, खुद से जानो क्या चीज क्या है वो, उसके बाद डिसीजन लो. मैं तो आपको दिन में भी वहां पे प्रोजेक्टर लगा के तारे दिखा दूंगा, उसका मतलब वो नहीं होता है रात हो गई. समझना आपको है, आफ्टर द 18 ईयर्स ऑफ यू आर कैलकुलेटेड एज ए एडल्ट, मीन्स एक थोड़ी सी तो दिमाग में होती है आपकी कि आप खुद डिसीजन ले सकते हो. और साथ में पेरेंट्स का गाइडेंस लो ना, बाहर वालों का गाइडेंस लेने की जरूरत क्या है. सो कभी भी कोई भी कंट्री में आप जा रहे हो, कौन सी कंट्री बेटर है, मैं मेरा ऑप्शन आपको सही बोलूंगा, दूसरे का क्यों सही बोलूंगा. अगर मैं फेयर एंड लवली कंपनी का ओनर हूं, मैं बोलूंगा भाई फेयर एंड लवली लगा वाइट हो जाएगा, आज तक कोई गोरा हुआ? कोई नहीं होता है. सी, प्रमोशन इट्स अ डिफरेंट पार्ट और एक्चुअल प्रैक्टिस इट्स अ डिफरेंट पार्ट. सो कभी भी कहीं पे भी एडमिशन लेना है, आपका पहले खुद का जिम्मेदारी बनता है, खुद सेल्फ स्टडी करें. वन बाय वन कंट्री के हमारे वीडियो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने. कंट्री का एजुकेशन सिस्टम को जानिए, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को जानने के बाद उससे आपका करिकुलम और आपका एजुकेशन लेवल मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक कीजिए. ये बात ऐसी हो रही है, वो अंगूर वाली आपने स्टोरी सुनी होगी कि लोमड़ी थी, वो जंप लगा के अंगूर खा नहीं पा रही थी क्योंकि उसके लेवल का नहीं था वो चीज. आपको वही खाना चाहिए जो आपके लेवल में है और वही पढ़ना चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग आ रहा है. ऐसा नहीं कि MBBS ही करना है, दूसरे काफी सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है. कई बच्चे क्या करते, ड्रॉप ले लेते हैं. अभी नीट में 200 मार्क्स आए, ड्रॉप लेके कितना ला पाओगे आप? 200 का 300 कर लोगे, तभी भी आपको वापस अगर MBBS करना है तो अब्रोड ही सोचना है. देन इट्स बेटर टू गो टू अब्रोड दिस ईयर ओनली इंस्टेड ऑफ द वेस्ट वन ईयर. सो मेन चीज जो ध्यान में रखने वाली आती है, आपके खुद का पहले खुद का करिकुलम सेट, मीन्स जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखना है, आपको एक बार खुद से देखना है आपका रिजल्ट खुद का कितना आया हुआ है, क्या आया हुआ है. पहले आप खुद को देखिए, खुद को पहचानिए, फिर बाहर की दुनिया की बात कीजिए. बाहर तो रोशनी ही है, यहाँ पे अंधेरे वाले रूम में बैठे हो भी, लेकिन जहां तक आप दरवाजा खोल के बाहर नहीं देख रहे हो खुद से, वहां तक आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर रोशनी है कि नहीं है. पूरा अंधेरे वाला रूम लगा दिया, टीवी लगा दिया, आपको घड़ी भी नहीं दिया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम चल रहा है? जहां तक आप दरवाजा खोल के नहीं देखेंगे वहां तक आप क्या देखेंगे? लोग जो आपको दिखा रहे हैं वो आप देखेंगे. सो आप वो टीवी लगा के दिया, टीवी में आप प्रोग्राम देख रहे हो, आपको लग रहा है टीवी में दिन रखा है तो आपके लिए भी दिन हो गया, टीवी में रात आ गई तो आपके लिए भी रात हो गई. लेकिन जब तक आप दरवाजा खुद से नहीं खोलेंगे तब तक आपको कुछ भी चीज पता नहीं चलने वाली है. सो वॉट एवर द थिंग यू मस्ट हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ ओनली. सी, नो वन विल ट्रैवल विथ यू फॉर योर लाइफ. आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा दोस्त जा रहा है वहां पे मेरे को जाना है, गलत बात. उसका लेवल है तो वो वहां पे जाएगा, आपका जो लेवल है वहां पे आप जाइए. दूसरा जा रहा है वहां पे, आपको जाके कोई फर्क नहीं पड़ता है. वहां पे
आपका जो लेवल शुरू होता है ये 60% आया, 80 आया, 90 आया, वहाँ पे नहीं है। आप वहाँ पे MBBS में एडमिशन ले रहे हो, उसके बाद से आपका लेवल शुरू होता है। सो इसके बाद से हम लोग जो सेकंड वीडियो हमारा लॉन्च करते जाएंगे, वन बाय वन एक एक करके कंट्री का एक एजुकेशन सिस्टम का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक से समझिए, जानिए, गूगल अवेलेबल है, सर्च कीजिए, खुद से हर एक गवर्नमेंट वेबसाइट को सर्च कीजिए, ना कि कोई प्राइवेट वेबसाइट को। मोबाइल हर किसी के पास है, नेट कनेक्शन हर किसी के पास अवेलेबल है, आपको चेक करना है आपका खुद का मार्क्स कहाँ पे फिट हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट टेक द डिसीजन। सो MBBS के बाद भी क्या क्या पाथ अवेलेबल है वो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन उसका एक प्रॉपर वे होता है। जैसे लोग दिखा रहे वैसे मत कीजिए, लोग बोलेंगे फर्स्ट ईयर में USMLE का प्रिपरेशन आपको ले लेना है, गलत बात है। USMLE का प्रिपरेशन रियल में रिक्वायर्ड है आफ्टर द सेकेंड ईयर, उससे पहले क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो पेरेंट्स का। सो चीज को समझिए, जानिए, खुद से सब जो भी है जांच पड़ताल कीजिए, अपने जो भी नज़दीकी रिश्तेदार है, आपके बुजुर्ग लोग हैं, उसकी सलाह लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। सो आज के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मैं राहुल पटेल, सफ्तामो एजुकेशन ग्रुप का ओनर एवं डायरेक्टर। कभी भी कोई भी डाउट है, एडमिशन लेना नहीं लेना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे पास तो एडमिशन आते रहते हैं, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको बेझिझक मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पेज है वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे इवन यूट्यूब वीडियो के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हर रोज़ का हमारा वेबिनार होता है, वेबिनार अटेंड करो आप। सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग बैठे हैं, हमको कोई रुपया नहीं चाहिए आपका, लेकिन अगर कोई बच्चे की लाइफ बन रही है उससे तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, कोई भी कॉन्टेक्ट करना है, मेरा जिस नंबर है नोट डाउन कर सकते हैं, +91 7227 04 48। फिर से नोट डाउन कीजिएगा, +91 7227 04 48 4 times 48। अगर आप मेरे को मेल करना चाहते हैं तो इट्स rahul.patel@softamo.org, नोट डाउन कीजिएगा, rahul.patel@softamo.org। ये मेरा मेल आईडी है, वेबसाइट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी हमको चैट कर सकते हो आप। वेबसाइट है www.softamo.org। आज के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी आता है उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और दूसरों को दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।